बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, मैकेनिकल वर्कशॉप, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इज्जत नगर, बरेली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल्स में। व्हील्स ऑफ की वर्किंग्स की डिटेल्स पार्ट वन में आपने एक्सल बॉक्स खोलना, क्लीनिंग्स करना, इंस्पेक्शंस होना, व्हील डिसमेंटल करने तक का पार्ट देख लिया है, और यदि नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिए। और इस पार्ट टू में एक्सल टर्निंग्स, व्हील्स टर्निंग्स और व्हील्स एक्सल प्रेसिंग के बारे में डिटेल्स बताई जाएगी। एक्सल टर्निंग लेथ्स, हमारे स्मार्ट वर्कर मोहम्मद इसाक जी एक्सल लोडिंग करते हुए, ये सीएनसी एक्सल टर्निंग लेथ है, इस पर एक्सल टर्निंग्स किए जाते हैं। सिर्फ हमारे एक ही ऑपरेटर्स काम करते हैं, सारे काम इन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। एक्सल लोडिंग से लेकर अनलोडिंग तक, मेजरमेंट तक, सारे काम मोहम्मद इसाक जी करते हैं। और ये एक्सल लोडिंग करते हुए फुट पैडल ऑपरेटेड कई कंट्रोल्स लगे हैं, इस एक्सल टर्निंग्स पोजिशन करने में काम आते हैं। एक्सल लोड करते हुए कुछ फुट ऑपरेटेड पैडल्स, कुछ कंट्रोल्स, स्विच इस्तेमाल करके ये लोड किया जाता है सावधानी पूर्वक, और बेल्ट हटा दी गई है। और अभी पुराने एक्सल का मेजरमेंट्स किया जाएगा, तो ये डिसाइड किया जाएगा मैं क्या साइज बनाना है। और मेजरमेंट के बाद ये बनाने वाला एक्सल का साइज फीडिंग करते हुए सीएनसी कंट्रोल्स पैनल पर, और ये मशीन ऑन किया गया, और ये सीएनसी मशीन ऑपरेशन स्टार्टिंग, और ये धीरे धीरे टर्निंग होकर पूरा एक्सल्स साइज के अनुसार टर्न हो जाएगा। और मशीन से सारे चिप्स निकल कर कन्वेयर्स के द्वारा एक पैलेट में इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको डिस्पोजल कर दिया जाता है। एक्सल बनने बनने के बाद एक्सल अनलोडिंग्स, एक्सल रेडी है। इसमें अनलोडिंग्स किया जाएगा। अनलोडिंग के लिए फिर से अनलोडिंग बेल्ट्स एक्सल में लगा दी गई है, और क्रेन को पोजीशन करके क्रेन में ये बेल्ट हैंग कर दी गई है, और धीरे धीरे एक्सल अनलोड, और ये एक्सल बनकर तैयार हो गया, और इसको अनलोड करके बाहर रख दिया। ये एक्सल बनकर व्हील प्रेस होने के लिए रेडी हो गया है, और ये एक्सल व्हील प्रेस मशीन पर जाएगा, जिसमें व्हील डिस्क प्रेस हो। सीएनसी व्हील बोरिंग मशीन वर्टिकल ट्रैक लेथ की वर्किंग्स के बारे में डिटेल्स बताई जाएगी। व्हील डिस्क लोडिंग करते हुए हमारे स्मार्ट वर्कर मोहम्मद जैदी अली और अरविंद राणा व्हील डिस्क लोडिंग करते हुए व्हील डिस्क को 3 पॉइंट से क्लैंप लगाकर लिफ्ट करके मशीन पर लोड किया। व्हील डिस्क सीएनसी मशीन पर लोड कर दिया गया है, और ये मशीन को मूव किया गया है। तो मशीन ऑन कर दिया गया, व्हील बॉरिंग्स के लिए साइज फीड कर दिया गया,
व्हील बॉरिंग का कार्य शुरू हो गया है। एक्सल साइज के अनुसार व्हील बोरिंग का साइज निर्धारित किया जाता है। इसमें ये टूल पोजीशन डिस्प्ले आता रहता है सीएनसी कंट्रोल मशीन पर। व्हील व्हील डिस्क बोरिंग हो गई है। मोहम्मद जैद अली जी और अरविंद राणा व्हील डिस्क लोड करते हैं। बोरिंग होने के बाद फिर से तीन क्लैंप के द्वारा व्हील डिस्क को होल्ड करके क्रेन से उठाकर मशीन से बाहर रख दिया जाएगा और ये व्हील डिस्क एक्सल में प्रेस होने के लिए रेडी हो गई है। ये व्हील डिस्क प्रेस मशीन पर पहुंचाई जाएगी। ये व्हील डिस्क बोर करके यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। हाइड्रोलिक प्रेस व्हील्स प्रेस के टाइम कितने इंस्पेक्शंस होते हैं, किस तरह से व्हील प्रेस। हमारे स्मार्ट इंस्पेक्टर्स श्री इस्लाम जी एक्सल जर्नल साइज चेक करते हुए और सरफेस फिनिश गेज को एडजस्ट करके व्हील बोरिंग सरफेस का सरफेस फिनिशिंग्स चेक करते हुए जहां पर व्हील प्रेस होगा उस पोर्शंस को सरफेस फिनिश चेक करते हुए और ये श्री मनोज एक्सल्स को व्हील प्रेस के लिए पोजीशन करते हुए और हमारे स्टेज इंस्पेक्टर व्हील थिकनेस मेजरमेंट करते हुए और ये प्रेसिंग लुब्रिकेंट्स व्हील डिस्क के अंदर एवं एक्सल पर लगाते हुए एक लुब्रिकेंट्स लगाया जाता है जिससे प्रेसिंग्स स्मूथली सही प्रेशर पर हो जाए। और व्हील डिस्क को एक्सल पर पोजीशन करते हुए और व्हील डिस्क एक्सल पर पोजीशन करने के बाद प्रेस मशीन पर एडजस्ट करते हुए मशीन के सारे कंट्रोल्स ठीक करते हुए मशीन ऑन हो गई है और पहला व्हील डिस्क प्रेस हो रहा है और पहला व्हील डिस्क प्रेस होने के सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया जाता है और ये सेकंड व्हील डिस्क प्रेस होती हुई और ये सेकंड व्हील डिस्क प्रेस हो गई। उसकी सेंटर्ड एक्सल से लोकेशन चेक करते हुए एक्सल पर प्रेस हो गया है और ये लाइन गेज चेक करते हुए और व्हील प्रेस से व्हील डिस्क एवं एक्सल्स प्रेसिंग के बाद अनलोड करते हुए
और ये व्हील डिस्क रेडी हो गया है, प्रेस हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कमेंट्स एंड शेयर आवर वीडियोस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।